What's up guys, welcome to my new video and ये video है चरोदा भिलाई का। इसमें बहुत आपको अच्छा लगेगा इस video देख के, है ना। जो गणेश पंडाल पे हम जाने वाले हैं, यहाँ पे भी आपको ये मिल जाएगा बच्चों के खेलने वाली चीज़ें। ये तो बस स्टार्ट है पंडाल जो होता है दर्शन करने के लिए, वो भी काफ़ी सुंदर लग रहा है। यहाँ का भी ये झूला है, ये तो नाव है, बोट है ये, एंड आइसक्रीम्स एंड काफ़ी कुछ, एंड ये ड्रैगन वाला झूला, ड्रैगन ट्रेन, एंड वापस से गेम्स जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग रहते हैं मेले में ट्रेंडिंग रहते हैं। एंड उसके बाद बच्चों वाली जिप्सी, ब्रेक डांस, और ये आकाश झूला, एंड ये भी मार्केट की तरह लगा हुआ है, डिफेंस एंड ऑल, 10 रुपए में हर माल ऐसा। बैग्स, ज्वेलरी, इयररिंग्स और बाकी बहुत कुछ है यहाँ पे। वापस से एक जिप्सी, 30 रुपीज पर राइड, एंड ये लवली रेस्टोरेंट, वाओ इसने काफ़ी कुछ रखा हुआ यार मेन्यू में, नाइस। एंड यहाँ पे प्रसाद बट रहा है और सब खा रहे हैं। और ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर का, ये थीम रखा गया है यहाँ पे, है ना, बहुत ही प्यारा ये मंदिर लग रहा है। टोटली वाइट कपड़े से ये बनाया गया है, एंड लक्ष्मी नारायण मंदिर इसका नाम है। और मैं एक बात बता दूँ जो मैं यहाँ से देख पा रही हूँ, है ना, ये आप देख रहे हो ये टॉप टू बॉटम, और उसके बाद ये जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हो ये है द्रौपदी युग, है ना, अगेन, एंड राइट साइड पे कलयुग। सो कुछ इंटरेस्टिंग देखने मिलने वाला है हमें, सो लेट्स गो इन। सो एंट्री ऑल द लॉन्ग वे, आपको उधर से ही एंट्री करनी है जो आपके लेफ्ट साइड पे जो दरवाज़ा है। तो द्रौपदी युग एंड ओके, यहाँ का ये फोटोज लगी हुई है। तो आप द्रौपदी युग में कंस का आतंक व अधर्म का विस्तार हो रहा था, तब उसके विनाश हेतु भगवान ने कृष्ण अवतार में जन्म लिया। ओके, तो ये ऐसे थोड़े से स्टोरीज के साथ कृष्ण जी के बारे में और द्रौपदी युग में जो जो भी हुआ है उसके बारे में ये बताया गया है। नाइस थीम, अच्छा है, सिंपल है और लोगों के लिए अच्छा है। एंड वाओ ये बहुत अच्छा सजाया गया है, बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वाओ है ये, जस्ट वाओ। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये भिलाई के कौन सी जगह में है, मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में, इसी वीडियो में आपको बताऊंगी ये कौन सी जगह है, बट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना अच्छा होगा, इतना सुंदर होगा, बहुत ज़्यादा सुंदर है। पूल से लेके लाइटिंग्स, ऊपर का जो झूमर जैसे ये लाइट लगाया गया है, बट काफ़ी सारे डिफरेंट लाइट हैं झूमर के जैसे जो लग रहे हैं। एंड गणपति जी भी बहुत टोटली वाइट है कलर्ड में, बिकॉज ये लक्ष्मी नारायण मंदिर है। वाओ, जिसने भी दिमाग लगाया है बहुत अच्छा दिमाग लगाया है, और बहुत प्यारे गणपति जी बिठाए गए हैं यहाँ पे रिद्धि सिद्धि माता के साथ। एंड बाकी का सराउंडिंग भी मैं आपको दिखाती हूँ, लाइटिंग्स, फ्लावर्स, बहुत सिंपल और बहुत बेसिक सा है, उसके बाद भी बहुत अच्छा डेकोरेशन है। वाओ, जस्ट वाओ। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा जगह देखने के बाद, पंडाल देखने के बाद, अब हम चलते हैं कलयुग की तरफ। यहाँ पर पोस्टर्स, अच्छा ये तो अभी हमारा जो चल रहा है वही है, एंड काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, मोबाइल की लत, ऐसे इस गौ हत्या, मतलब हाईलाइट किया गया है अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही है उन सबको, और सही है न्यूज़ एंड अल्कोहल, ये सबको हाईलाइट किया गया है। सो यहाँ पे भी कुछ लिखा हुआ है, सो ये है, ये बहुत डरावनी फोटो है, बट इट्स ओके। एंड हम बाहर आ गए वापस मेले वाले एरिया में, और भी काफ़ी सारे झूले लगे हैं छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए भी, इधर भी थोड़े बहुत झूले हैं। एंड सही है,
प्रसाद लेना कैसे भूल सकते हैं, प्रसाद लेते हैं। यहाँ पे प्रसाद में ये मिल रहा है, चावल है। एंड सो गाइस, आप सबको कैसी लगी वीडियो मुझे कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दो। कितना सुंदर ये डेकोरेट किया गया ये पंडाल है ना, और कमेंट ज़रूर करना। और भी वीडियोस आते रहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो नए अपडेट्स के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।